भगवान का है, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का है, दक्षिणा के सहित भगवान प्रकट हुए, आठवां अवतार भगवान ऋषभ देव का है, नौवां अवतार पृथ्वी का है, दसवां मत्स्य का है, ग्यारहवां धनवंतरी का है, बारहवां कच्छप का है और तेरहवां मोहिनी का है। मोहिनी को रूप धरी अमृत को बंटवारो करो, राक्षसन को शराब पिलाई दे और देवतन को अमृत पिलाई दो। वही तो तेरहवां अवतार है मोहिनी को। चौदहवीं बार प्रभु नरसिंह रूप धरी हिरण्यकश्यप को मारन को आए। पंद्रहवीं बार प्रभु वामन को रूप धरी राजा बलि को छलन फिरी आए। सोलहवें में व्यास बने, सत्रहवें में परशुराम बने, अठारहवीं बार प्रभु राम बने आए हैं। अठारहवां अवतार भगवान प्रभु राम का है। उन्नीसवें में बलराम बने और बीसवीं बार कृष्ण कन्हैया बन करके आए हैं। भगवान कृष्ण का अवतार बीसवां अवतार है। इक्कीसवां है ग्रीव का, बाईसवां बौद्धावतार, तेईसवां हंसावतार और चौबीसवां अवतार अभी हुआ नहीं है, ऐसा भागवत में लिखा है। विश्व में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में संभल गांव और संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर कलंकी अवतार होगा। जब कलयुग का अंत होगा, कब? जब कलयुग का अंत होगा तब। तो ये 24 अवतार हैं। इन्हीं अवतारों 24 अवतारों का वर्णन भगवत कथा में है। आ जाओ, कपिल भगवान की कथा सुनी। पांच अवतार तक की शूकर बने आपने कथा सुनी, नारद जी की कथा सुनी। छठवां अवतार कैसे है भगवान को आप लोग ध्यान से सुने कि राम जी उल्टे लटके, प्रभु जी उल्टे लटके और छठो भयो अवतार राम जी उल्टे लटके। ब्रह्माणी गौरा लक्ष्मी एक बार तीनों आई, आपस में मशवरा कर गंगा के तट को धाई। कहां? गंगा पे पहुंची। तीनों देवियां लक्ष्मी ने कही बहना हर के गंगा तट पे काय को आए। ब्रह्माणी ने की तुम ना बताओ, लक्ष्मी ने की जीजी अब मेरो मन कर रहो बड़ी गर्मी है हर के गंगा महनाए ले। ब्रह्माणी ने कहा अरे बहना अगर तुमने बताया होता पहले तो कपड़ा ले आते। लक्ष्मी की तुमो बनी फिती हमें तुम्हें इन कौन देख रहो निर्जन जगह हमें तुम्हें तो कोई देख ना रहो। ये कपड़ा उतार के दख दे और ढंग से हर के हनाए ले और फिर यही पहन ले। ब्रह्माणी ने कही जी जी जावा तो बढ़िया ना है, जल में कभों स्त्री को नग्न होके नाए घुसबो चाहिए। लक्ष्मी ने की तुम्हें उपदेश करती रहा, उन्हें झटपट उतारे कपड़ा अबे तो घुस गई
और भाई किलोल करने लगी और मालूम का वो तो तीनों देवियां नहन लगी। स्नान कर रही थी वो ज्ञान को बिसारे, अज्ञानता पूर्ण वो गंगा मैया में स्नान कर रही, स्नान कर रही थी वो ज्ञान को बिसारे, कर में लिए थे बीना नारा जी उठा धारे, तीनों देवियां बाई में बड़ा मन लगाए के खिलोल कर रही, आहा बाई में डुबकी लगाए को बहरा रहे, आहा नारद जी ने की मैया नमस्ते, और जो कई नमस्ते लक्ष्मी ने कई चूप मते आई हो नारदा, लक्ष्मी की जाओ नारद नमस्ते नमस्ते नारद जाओ अपनी रस्ते नारद, नारद जी ने की मैया हमें जा लग रही कि तुम नंगी नहाए रे, लक्ष्मी ने की नारदू हिसाब से बात करियो हम कपड़ा पहन के नहाए रे, नारद जी ने की मैया एक तो तुम अपराध कर रही और झूठ बोल के डबल अपराध कर रही, लक्ष्मी की नारदू हिसाब से बात करियो तुम जानतो किन से बात कर रहे, नारद हम से ना कछु कहियो रे में विष्णु की घरवाली, पति अगर कछु होए ध्यान करियो, कोई लड़का बढ़िया करे शिक्षा फिर बीएड करे या बीटीसी करे टेट पास करे सुपर टेट पास करे तब वो बने मास्टर, अब ये भी नहीं मतलब मैं पहले ही बन गई मास्टर में गलत करे, अब ध्यान करो सोई तो लक्ष्मी मैया मालूम का बोली, नारद हिसाब से बात करियो, मेरे पिया ही पाले जग को ये पता नहीं है तुमको, जैना तुम उन्हीं को गुनगाओ में पति संसार को भरण पोषण करे और तुम उन्हीं को निरंतर नाम ले नारायण नारायण कतरा और हम उनकी पत्नी से तुम बात कर रहे समझ रहे, नारद जी ने कहा मैया आज तक मैं तुम तीनों देवियों को महान नारी समझ करके महान माताओं में श्रेष्ठ समझ करके तुम्हारा आदर करता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुमसे निकृष्ट माने तुमसे गिरी हुई संसार में कोई दूसरी माता नहीं, और एक बात कह दी अनसुईया के चरणन के धूल के समान नहीं हो, तुम तीनों अनसुईया के चरण रज के बराबर नहीं हो, अब तो जा समझ ले माता बहनों आप तो सबरी बातें जानती, कोई पुरुष कोई उनको प्रिय जन कोई परिवारी अगर कहू पराई स्त्री की प्रशंसा करे तो स्त्री को कभो सहन ना हो, सब कुछ सह लिए भूखी रह लिए कपड़ा ना है तो सह लिए, लेकिन कहू पराई स्त्री के बाके निजी कहू अपने ने अगर प्रशंसा करी तो भाई बहुत गुस्सा आए,
सोई तो लक्ष्मी मैया को अब तो बहुत ही गुस्सा और मालूम काम हो खट खट ने कपड़ा पहने कट पट कपड़ा पहने और आधे पानी टपक जाए भीज जाए झल मल कत्ती जाए और मालूम काम हो अपने अपने पतियों से जाके बोली कब तक सहेंगी अब हम नारद की ये ठिठोली। हे पतिदेव हम बहुत दुखी हैं, हम जावा से दुखी हैं, नारदा हमें बहुत बुरी भली सुनाए और जाकाए अनसुईया के चरण के समान उनके चरण रज के बराबर बताना आए थे एक घंटा। ये सब झुंटा चले गए पाकिस्तान तुम ही बने रहे। एक घंटा ईगो बत्ती चलता बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाओ मेरे भगवत प्रेमियों माता और बहनों आज कई अनुसुईया अगर वास्तव में पतिव्रता होए तो तुम बात छोटो करके आई हो और जब छोटे की बात कही तो तीनों देवतन ने मान ली और तीनों देवता चलन लगे और मालूम कैसे चले साधु का भेष रख कर तीनों वो चल दिए हैं। साधु का भेष रख कर तीनों वो चल दिए हैं अपने अपने कमंडल बालू से भर लिए। साधु को भेष बनाओ और तीनों चलते आए अपने अपने कमंडल में बालू। भोले बाबा ने कही भैया कहाँ जा रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने की कहा बताए भाई ब्रह्माणी आज बहुत गुस्सा में है और जा कह रही अनुसुईया को छोटो करके आई हो। विष्णु भगवान ने कही जय तो भाई लक्ष्मी ने कही। भोले बाबा ने कही कहा बताए पूछन लगे कही जय हमारी सती ने। विष्णु भगवान ने कही अरे तुम तीनों एक है मरज के मरीज और एक ही अस्पताल में चल रहे तो संग ही संग चलो। तीनों देवता संग संग जाए रहे। आश्रम में जाके पहुंचे आवाज है लगाई। आश्रम में जाके पहुंचे आवाज है लगाई। हम द्वार पर खड़े हैं चाह में दो माई अनसुईया निकल के आई। माता बहनों अनसुईया बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। ले बाबा ओ देखो का वे तो तीन महात्मा और बिल्कुल नए बढ़िया चिकने बाबा। हर के तो महात्मा बड़े बूढ़े हुए। अनसुईया के बाबा तुम तो तीन हो। कही हाँ मैया हम तीनों भैया और संगे संग रहे। अनसुईया का बैठ जाओ बाबा अभी हम तुम्हें भोजन कराते हैं। कंदमूल फल लेकर आई। लो बाबा तुम तीनों बैठ करके भोजन कर लो। मालूम का हो तीनों ने अपने अपने दांत गायब करे और जा कही मैया बोले है संत मैया भोजन नहीं ये मेरा मैंने ये खूब जाना है भाव नहीं तेरा। ये दांत ना है तो हम इन फलन को काट ना सकत और तू कठोर फल लाई हम समझ गए तेरे मन को भाव उत्तम ना है। अनसियन का बाबा हिसाब से बात करना। अरे मैं तुरंत फल लेकर के आई प्रसाद लेकर के आई। तीनों देवता कान लगे अम्मा मैया तू एक काम कर हमारे एक दांतना तरुआ लो एक दांतना ब्रेक फेल लाल टपक पर है। कई मैया भूख बहुत जोर लगी। अनुसुईया का बोलो क्या खाओगे।
कई मैया अगर तू हो सके तो मैं हलवा खिला दे। अनुचैन का बैठ जाओ, अभी हलवा बनाती हूँ। कि ना मैया तो देर हो जाएगी। ये कमंडल देख रही ना, कमंडल हलवा तो है, कल भंडारो भाओ। सो मैया जी बासी भाओ, तू जा तपबल से ताजी कर दे और हम जाई को खाए के चले जाए। अनसुईया मुस्कराई गई माता बहनों, ए बाबा तूने तो बहुत बढ़िया युक्ति बताई। कमंडल आगे करो तीनों। तीनों ने कमंडल आगे करी। अनसुईया मैया ने माता बहनों अंजलि में जल लाओ, एक मंत्र पढ़ो, एक बड़ो सरल, मालूम कौन सो? मनसा वाचा कर्मणा जो पति वीरता होए तो बासी भोजन अभी तुरत ताजी होए। और जो जल गिरो कमंडल में हलुआ, अनसुईया माने सत का जौहर दिखा दिया है। बालू के कमंडल का हलुआ बना दिया है। आ और जो हलुआ बनो इतनो गरम कितनो कमंडल लाल बरंग। भोले बाबा पीछे बागंबर ऊंचो अपनो कमंडल हिलाए रहे, कह रहे मोए का जे बात कर रहे। और कमंडल हिलत हिलत उनकी नीचे वाली टांग में छुई गो। और जो छुओ तो फपोका पत्ते ही चलो आओ। और भोले छलांग भर गए, कमंडल दूर डरो, ढक्कन खुलो, हलुआ निकरे। बोले न गई ओ भैया ओ विष्णु, विष्णु की आज कुर्ता नौ लाल पहन के आए पारे ढात, आज तुम आत्मा बने। विष्णु भगवान की फारे ना डात, सब फटनवारो है। विष्णु भगवान की का हुई हो, देखो ना बालू भर के लाए हलुआ बनियो। विष्णु भगवान की तो खाए ले कि खाए ना ले। अगर बालू को हलुआ बन सकत तो अरको हलुआ बन सकत। तामे भैया लौट चलो। विष्णु भगवान के अच्छा तब तो उनके कैसे भकिया चले आए, और अब कह रहे कि लौट चलो, अब तो नहीं लौटेंगे। बोले ने कही अरे के अब हम अच्छे और लौट चलो, बलाई जाई में। विष्णु भगवान ने कहा लौटूंगा नहीं। आप लोगों ध्यान करियो, भोले बाबा बार बार कह रहे अरे के अब हम बहुत अच्छे। मालूम कैसे? एक गांव है तो बहुत बढ़िया, हर कोई गांव जा सुना और बढ़िया। सड़क के किनारे मामे लड़का शराब पियत, हर के गांव कोई पियत ना। बहुत बढ़िया गांव है तभी तो बताए रहे, कोई पियत ना। पियत हो तो डर लगा तो लड़कन को पियन बार में की जेब हमेशा खाली रहती। अबे कोई हुई तो गुस्सा में हाल खान लगे, न पाए लो रुपया, हम पे तो रुपया ही ना है भैया। आप लोग समझ ले, वास्तविक बात है, नशा वाले व्यक्ति की जेब खाली रहती। तो मालूम भी लड़का का करो करे, सूज मुंदे के बाद अपने दुबकना लेके तीन चार सड़क पे बैठो करे। एक मारे दुई लगे, जो हो सो छट दद दे। लड़का सड़क पे बैठे, एक महात्मा आए रे, सीताराम 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 कत्ता है। लड़कन की कोई आरो भैया चुप रहिए, चुप्पी साधे रहिए। और तब तक महात्मा आए गए निकट, लड़कन के रुक। महात्मा ने कहा सीताराम सीताराम सीताराम। लड़कन ने कही सीताराम पक्का जो धर झोला झंडा डंडा। महात्मा ने पट दद्दो काय से दुबकना, एक मरे तो दुई लगे, अब गोविंदा नमो नमा भई धरी। महात्मा ने झट दद्दो। और जो महात्मा चले, महात्मा ने घरगो का छूना है भी करो। लड़कन ने कहा भैया जो सब रुपया कुर्ता में धरो झोलिया में जामे का छूना है। लड़कन ने पकड़ो ये बाबा रुक। बाबा ने कहा सीताराम सीताराम। लड़कन ने उतार कुर्ता। महात्मा ने कुर्ता उतार दो, अचलो उतार दो, लंगोटा में जाए। नेक दूर पहुंचे, महात्मा ने कहा अरगो कछु ना है बिगरो। लड़कन को रे भैया हमें जा लग रही, महात्मा करो अरगो कछु ना है बिगरो, तो जी सब रुपया लंगोटा में धरे। महात्मा बड़े चतुर है, लड़कन ने भाग के पकड़ो ए बाबा लंगोटा खोल। महात्मा डर के मारे लंगोटो खोल दो, चबन्नी ना निकरी। लड़कन की भाग। महात्मा नेक दूर चल के पहुंचे। अब महात्मा ने कही
हर को कछु ना बिगरो हते तैसे अभू। लड़कन ने कहो रे भैया जो बाबा कह रहे हर को कछु ना बिगरो। लड़कन ने भाग के पकड़ो बाबा जा बताओ हमने तुम्हारा सब ले लो, अचला लो, कमंडल लो, कुर्ता ले लो, झुलिया ले ली, डंडा ले लो और तुम्हारा डंडा डंडा सब ले लो और तुम कह रहे हमारा कछु ना बिगरो। तो महात्मा ने कितनी बढ़िया बात कही, जा गई लल्ला जब हम अपनी अम्मा के ओर से अपनी मैया के ओर से जन्मे थे तो ऐसे ही नंग धड़ंगे जन्मे थे, हम आते तैसे अबू हम आओ कहा बिगड़ो, तुमने ले लो तो हमें देन वालों कोई जरूर मिले। लड़कन के जो देन वालों कौन है, महात्मा ने की अरे पगलो तुम्हें मालूम ना है जन्म से पहले माँ को स्तनभू दूध से भर देवे तो आज तो हम कितनी रोटी खाते, आज भी ना देख रहे हो। लड़कन ने की कहा हमू दे रहे हो ये, महात्मा ने की पगलो आंख वालों देख पाए देन की बात जाके आंखें वही देख पाए और तुम्हारी आंखें ना तो तुम का देख पाओ। महात्मा ने कई लड़कन को ज्ञान भो सब सामान दो और महात्मा तो चले गए बोलो गोविंद भगवान की। अब आप लोग समझ ले महात्मा ना कह रहे हर को कछु ना बिगड़ो, अब हूँ अच्छे सोई तो भोले कह रहे अब हूँ अच्छे लौट चलो भैया ना बालू को अलुआ बनियो हर को अलुआ बनो तो बलू ही रह जाइयो। भगवान विष्णु ने कहा लौटूंगा नहीं, चुपचाप खड़े रहो। अनुचयन गए बाबा क्या घुसुर फुसुर कर रहे, देख लो तुम्हारा हलुआ बन गया ताजी हो गया। कई मैया देख लो ताजी बन गयो लेकिन मैया हमारे गुरु को एक वचन है और मालूम गुरु को वचन कहा है, अपने द्वार पर है भोजन कराना हमको। मालूम का कही अपने द्वार पर है भोजन कराना हमको तो नग्न होकर मैया भोजन कराओ हमको, तो नग्न होकर मैया भोजन कराओ हमको तो। अपने द्वार पर अगर भोजन कराना चाहती है तो नग्न होकर भोजन करा। अनसुईया मैया अटक गई, बाबा मैं पतिव्रता नारी हूँ कभी पर पुरुष के सामने नहीं जा सकती, तुम्हें तो संत समझ करके प्रसाद देने आई। महात्मा कहने लगे तो हम भी ऐसे वैसे महात्मा नहीं है जानती नहीं। अनसुईया ने कहा बाबा नाराज मत हो मैं पतिव्रता नारी हूँ, संत कहने लगे अगर नगिन होकर भोजन कराएगी तो मैं भोजन करूंगा नहीं तो जा रहा हूं तेरे द्वार से। अनसियान की बाबा हम अपने पति से आज्ञा ले ले, अगर मेरे पति की आज्ञा भई तो तुम कोई बात ना हम भोजन करावे और मेरे पति ने मना कर दी तो मैं क्षमा करियो। कहीं जा पूछ ले। अनसुईया मैया अपने पति अत्रि ऋषि के आसन के सामने पहुंची, ऋषि ध्यान मगन बैठे। हे पतिदेव आंखें खोलो हम बड़े संकट में, दुई तीन महात्मा अपने द्वार पे खड़े अबे नगिन देखकर भोजन करें अब हम क्या करें सो हमें युक्ति बताओ। अत्रि ऋषि ने आंखें खोली और कही हे प्रिय क्या बात है, का तीन महात्मा खड़े अबे कह रहे नगिन होकर के भोजन करा अब मैं क्या करें। अत्रि ऋषि ने कहा बताओ वो कौन महात्मा है। अनसुईया को नाव ना मालूम वे तो संत ते ही ना है वे तो बंत ते और अनसुईया पहचान बताई रही कि हाथ कमंडल उनके शोभित, क्या कह रही हाथ कमंडल उनके शोभित सुंदर तिलक लगाए हाथ कमंडल उनके शोभित नाम न लेते कुछ अपना वो नाम न लेते कुछ अपना
सवई लगावे। अत्रि ऋषि ने अपनी आंखें को बंद करो। आज हम लोग जो सिनेमा या मोबाइल से जो बात कर रहे हैं, मोबाइल हम लोगों ने आज देखो है 2005 से हमारे देश में पहले भी ज्ञानी लोगों के पास तो मोबाइल मालूम कैसे पहले देख लेते। आज हम टीवी पे जो समाचार देख रहे हैं ना, हमारे देश में पहले भी लोग देख लेते थे। ऋषि मुनि अत्रि ऋषि ने अपनी आंखें को बंद करो और जो बंद करो अंदरवारी आंखें से देखना शुरू करो और देखो तो देखो का कि ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं द्वारे पर। और जो देखो मुस्कियान लगे, अनसुईया कहे तुम मुस्कियाए रहे हम बाबई पर। अत्रिषि ने की कोई भावई ना है, वो तीनों देवता हैं, वो जैसे चाहें ये मेरी आज्ञा है। तुमने भोजन करा, अनसुईया मैया बड़ी मगन आए और जो मगन आए बोले बाबा देखो कई भैया इधर से गई तो सिकुड़ी सिकुड़ी गई, उधर शायरी तो बहुत मगन है हमें जा लग रही। दारिम कारो ना है, जब पूरी दार करिया है लौट चलो भैया जाई में वलाई है। विष्णु भगवान ने कहा लौटूंगा नहीं। भोले बाबा ने हम तो रहे पीछे बालू बलुआ बनियो हमने देख लो। अनसुईया ने कहा बाबा क्या बात है, कई मैया बहुत तेज भूख लगी है, कल लाइन में खड़े हो जाओ। भोले बाबा ने की अब नम्मर आ कर बेटा दूर चलो जा लला ढिगई राव कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ऑटो कट हो गया, कोई ज्यादा बड़ी कमी ना, साउंड बहुत बढ़िया है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अनसुईया मैया ने अपनी अंजलि में जल लो माता बहनों, अनसुईया बिल्कुल आपकी तरह इतनी है बढ़िया स्वभाव की, और बाने अंजलि में जल लो एक मंत्र पढ़ो मालूम कौन सो। मनसा वाचा कर्मणा जो पति वीरता होए तो तीनों ये देवता तुरते ही बालक होए। और जो जल गिरो वे कट 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 चले आए, कट 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 और कट चले आए ऐसे कट कट। और मालूम का वो छोटे हो चले जाए हो चले जाए हो चले जाए इतने छोटे भाई लाल लाल तरवा हुआ हुआ करे साइकिल से चलाए जा लगे आज जन्म हो। अरे भैया मौत को मनाती अब फूली ना समाती। कौन अनसुईया मैया मौत को मनाती बा फूली ना समाती, पल ना झुलाती कभी लोरी सुनाती है, नग्न होकर भोजन कराती है दुग्ध पान कराती है। कहा तुम्हें नग्न देखने का शौक, एक नहीं दो नहीं और नहीं तीन चार। बहुत दिन हो गई एक महीना बीती गो माता बहनों, अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया। माता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा देवता नहीं है, आप लोग भी ध्यान करना।
है ना। अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया। अब लक्ष्मी मैया, सती मैया, ब्रह्माणी।